हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट कार्ड बाय सोनी। आज हमने फिर से ये बोतल को डेकोरेट किया है और ये सॉस की बोतल है। बड़े साइज़ वाली बोतल को यहाँ मैंने यूज़ किया है और इस पे सुंदर सा ये बुद्धा फेस बना के रेडी किया। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ग्लू में थोड़ा सा वाटर मिक्स किया है मैंने और फेविकोल में, उसे मिक्स करके बोतल के ऊपर लगाएंगे और लगाने के बाद हम टिश्यू पेपर से पूरी बोतल को अच्छे से कवर कर देंगे। बोतल के ऊपर टिश्यू पेपर अप्लाई करने से हमारे कलर की फिनिशिंग अच्छी आती है। वैसे हम यहाँ पे जैसो भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसे हमें ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन टिश्यू पेपर हमारे पास हर टाइम अवेलेबल होता है तो मैंने उसे यहाँ यूज़ किया है, वो बेस्ट आइडिया है। बोतल को हमने टिश्यू पेपर से अच्छे से कवर कर दिया है। उसके बाद बुद्धा को मैंने एक पेपर पे ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद उसका कट करके कटआउट रेडी किया। उससे मैंने फिर बोतल पे रख के इसे पेंसिल से ड्रॉ किया है। अब पेन की हेल्प से, पक्के मार्कर की हेल्प से मैं इसे फाइनली डार्क कर रही हूँ, ताकि जब मैं यहाँ पे क्ले या जो भी मटेरियल यूज़ करूँ उसका मुझे अच्छे से इफ़ेक्ट दिखे, मैं उसे अच्छे से बना पाऊँ। ये हमारा मैंने ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के बाद इसको अभी मैंने यहाँ पे एम सील का यूज़ किया है। एम सील मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, ये पाइप्स पे लगाने के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन मैंने इसे मिक्स करके एक डब्बे में रखा है। अगर ये हवा के कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो वो ड्राई हो जाती है। ये देखिए, ये कटआउट बना के मैंने इसे बोतल पे पेस्ट किया था और अभी इसी कटआउट से मैं एम सील पे रख के उसकी शेप कट कर रही हूँ और कट करने के बाद उसे भी बोतल पे अच्छे से पेस्ट कर देंगे। और डिटेलिंग करने के लिए यहाँ मैंने पेपर कटर का यूज़ किया है। इसे स्मूथ करने के लिए यहाँ मार्कर का ही मैंने यूज़ किया है और उसके बाद आगे हम आईज़ वगैरह को ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए मैंने ये एक खाली पेन है उसे लिया है, उससे इजीली ये काम हो जाएगा। उसके सारे जो भी पार्ट्स हैं उनको हम हाईलाइट करने के लिए अभी ये एम सील का यूज़ करेंगे और उससे अच्छे से पूरी डिटेलिंग कर देंगे। फेस कंप्लीट हो गया है और अभी हम हेयर बना रहे हैं। हेयर बनाने के लिए हमने एम सील से पतली पतली कोइल्स बना के रेडी की और उनको गोल गोल सर्कल में घुमा दिया और उनको यहाँ पे पेस्ट किया है फेविकोल की हेल्प से, और फाइनली हमारा फेस बन के रेडी हो गया है। और ये जूट की जो रस्सी होती है उसे मैंने इसके बाहर से पूरा फोल्ड किया है, लपेट दिया है, ताकि एक अच्छा सा पैटर्न बना के हम रेडी करें। ये भी ऑलमोस्ट सबके घर में मिल ही जाती है। मैंने यहाँ इस बनाने के लिए सारे उन सब प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है जो कि ईजिली हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। और अभी एक्रिलिक ब्लैक कलर का मैंने यहाँ यूज़ किया है इसे कलर करने के लिए। यहाँ भी मैंने एक्रिलिक कलर का ही यूज़ किया है और ये ग्रीन और ब्लू शेड को मिला के मैंने एक ये न्यू शेड रेडी की और उसे बोतल पे किया। डार्क और लाइटर शेड मुझे रेडी करनी थी तो मैंने उसको ही पूरी बोतल पे किया है। हमें बुद्धा को थोड़ा सा एंटिक लुक देना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर है उसको फिंगर से पूरे पे स्प्रेड किया है ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे और उसमें एक एंटिक लुक आए। तो ये जो रोप है उस पे भी हम फिंगर से ही इस गोल्डन कलर देंगे। फाइनली हमारी बोतल है वो डेकोरेट हो गई है। अगर आपको
मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो मेरी सारे वीडियोस आपको अच्छे से ईजिली मिल जाएंगी।